इन दिनों हरियाणा में सबसे बड़ी और महंगी भागवत कथा शुरू हो चुकी है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में शुरू हुई इस श्रीमद भागवत कथा पर आयोजक करीबन 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेंगे और देश और विदेश में प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी श्रीमद भागवत का पाठ करेंगी। श्रीमद भागवत कथा को लेकर रेवाड़ी शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शुक्रवार सुबह 9 बजे कलश यात्रा शुरू हुई और इसमें 1100 महिलाएं शामिल हुई। खास बात यह थी कि कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। कलश यात्रा में शामिल होने वाली 1100 महिलाओं के सिर पर मीना की कारीगरी किया हुआ आकर्षक कलश था और ये कलश विशेष रूप से राजस्थान के राजसमंद जिला स्थित नाथद्वारा से मंगवाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए पीढ़िया भी कोलकाता से मंगवाया गया है। कथा सुनने के लिए 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम किया गया है और भव्य वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। शहर की सड़कों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और श्रद्धालुओं को कथा सुनने के लिए पास भी जारी किए गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा 16 से 22 सितंबर तक रेवाड़ी में चलेगी और फिर 23 सितंबर को पहले हवन और इसके बाद भंडारा होगा। दावा किया जा रहा है कि यह भंडारा भी रेवाड़ी के इतिहास का सबसे बड़ा भंडारा होगा और रेवाड़ी के इतिहास में यह सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत कथा होगी। तो अगले कुछ दिनों तक रेवाड़ी में जया किशोरी के मधुर भजनों और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका श्रद्धालुओं को मिलेगा।